मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और दो शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मित्रों, हमने वादा किया है हमारे घोषणा पत्र में, हर घर में एक रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 4 तारीख के बाद, उसके घर पर बैठकर उसको नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपनी चाकरी पेंशन, अपनी पेंशन क्या बोलता है इसको, थकाए बंगाली तो बोले जुमला। मोदी सरकार ने 340 रुपया लघुत्तम वेतन तय किया है, मिनिमम पे स्केल 340 रुपया। त्रिपुरा में कितना है भाई, बताओ जरा, मालूम है? 170 रुपये में मजदूर मजदूरी कर रहा है। ये परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको 340 रुपया देना चाहते। रेगा 340 टाका, बंगाली ट्राइबल सवेरे 340 टाका। आपकी पेंशन क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है, थकाए बंगाली तो बोले जुमला, कॉकबोरो के बोले थकाए। स्मार्टफोन, कितने युवा है भैया यहां, जरा हाथ खड़े करिए तो। सारे युवा को कम्युनिकेशन के लिए स्मार्टफोन से लैस करने का काम त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी करने। अच्छा, बुरुई बुमा को स्मार्टफोन मिलेगा, स्कूटर मिलेगा, मिला? आपकी पेंशन क्या बोलता है इसको, थकाए बंगाली तो बोले जुमला। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, 18 तारीख को वोट दीजिए, 3 तारीख को सरकार बनाइए, 4 तारीख से सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग मिलेगा। क्या क्या फिर से थकाए? आज वो 2018 में बड़ा बड़ा लीडर लेकर आया, बोला ये होगा वो होगा ये होगा, कुछ नहीं हुआ। 5 साल तक एक भी नेता दिखाई नहीं दिया। 2023 में वापस ये लोग आ रहा है, ठीक अच्छे डबल इंजन का सरकार है, एक बार ए हो बे स्मार्टफोन हो बे चाकरी हो बे ये होगा फलाना होगा फलाना होगा, इलेक्शन खत्म, ये नेता लोग गुड बाय टाटा बाय बाय। फिर से 2028 में थोकाई करने के लिए आए। समझिए किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है, और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए।